वो डायरेक्ट CDI का सेंस करता, CDI क्या करता आउटपुट है ना वो डायरेक्ट ऑटो चोक को सप्लाई करता है। देख परफेक्ट। हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक हम बात करने वाला बजाज डिस्कवर 125 BS3 मॉडल। इस बाइक को क्या हुआ, सुबह के टाइम हर दिन स्टार्टिंग का प्रॉब्लम, से कम इसका 10-15 किक मारना पड़ता तब भी स्टार्ट होता। सुबह का टाइम हर दिन इसका प्रॉब्लम हो चुका, मतलब चले फ्रेंड आपको देखा था प्रूफ जो इसका प्रॉब्लम कहाँ पे और किस जगह पे है। देख पा रहे फ्रेंड, मैं आया, मेरे को बोला भाई इसका बहुत ही सुबह का टाइम में प्रॉब्लम होता, मतलब नेक्स्ट दिन अब ये कैसे है, 2 दिन पहले भी गाड़ी आया था, आने के बाद बोल रहा है इसका जो प्रॉब्लम है ना सुबह का टाइम स्टार्ट कभी भी हो नहीं पाता, मतलब फटक से तो स्टार्ट होना मांगता वो स्टार्ट नहीं होना पाता। ठीक है, तो इसका जो बैटरी वो तो प्रॉपर ही है, इसका है ना इस स्पार्क प्लग से, देख पा रहे फ्रेंड इसका जो हेड है ना, हेड का कैप भी वो भी ओपन करके लेगा, इसका टाइमिंग भी प्रॉपर है, इसका इनलेट वाल्व, उसका एग्जॉस्ट वाल्व वो भी सही है, लेकिन क्या हुआ आखिर जो इसका कंप्रेसर भी सही है, सब कुछ सही है, लेकिन सुबह का टाइम में जो फर्स्ट स्टार्ट होना मांगता वो स्टार्ट नहीं हो पाता, तो प्रॉब्लम किस चीज़ का हो सकता। चलो फ्रेंड मैं आया, आने के बाद मैं चेकआउट किया, चेकआउट करने के बाद बोला इस जगह पे उसका प्रॉब्लम है। चलो फ्रेंड इसके लेफ्ट साइड में जाने के बाद आपको देखा था किस जगह पे इसका प्रॉब्लम है। अगर बाय द वे आपके पास इस तरीके की प्रॉब्लम कोई भी आया तो आप 100% प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता। देख पा रहे फ्रेंड अभी मैं लेफ्ट साइड में आ चुका हूँ, इसका है ना मेन इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है सुबह के टाइम जो स्टार्ट नहीं होने वाला, तो प्रॉब्लम किस चीज़ का आपको भी देखाया, लेकिन इस स्पार्क प्लग से अभी एक बार देखते हैं करंट किस तरीके से आ रहा है। चलिए फ्रेंड अभी को किस तरह थोड़ा किक मारो, किक मार के मारने का आपको करंट भी देखा देता, करंट किस तरीके से आ रहा है, करंट अभी किक मारो, थोड़ा देख सकता फ्रेंड ध्यान से देखने का, मारो मारो मारो, देख सकता फ्रेंड, मारो मारो, देख सकता फ्रेंड इसका प्रॉब्लम क्या है, क्या हो सकता है इस गाड़ी पे प्रॉब्लम है। करंट का तो कोई इशू नहीं, इसका कंप्रेसर भी सही है, इसका पिकअप कॉइल है ना, मैं चेकिंग किया पिकअप कॉइल है ना वो भी प्रॉपर तरीके से है, सब कुछ सही है, इसका कार्बोरेटर वो भी क्लीन किया, इसका है ना एयर फिल्टर वो भी क्लीन किया, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी स्टार्ट नहीं हो पाता। मैं आया, मैं आने के बाद इसको चेकिंग किया, जो सुबह का टाइम स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आप सबसे पहले क्या चेकआउट करने का, जो इसका सबसे पहले एयर फिल्टर वो भी क्लीन करके देखने का, उसका एयर फिल्टर वो प्रॉपर तरीके से देखने का, उसके बाद इस गैस का है ना कार्बोरेटर असेंबली उसको भी क्लीन करने का, क्योंकि यहाँ से भी अगर थोड़ा बहुत कचरा भी रहेगा इस तरीके से प्रॉब्लम हो सकता है, अगर टाइमिंग भी आउट होने से भी इस तरीके से प्रॉब्लम हो सकता, उसके बाद फिर उसका जो है नेक्स्ट स्टेप उसको जो इनलेट वाल्व एग्जॉस्ट वाल्व अगर टाइट भी होगा ना फिर भी इस तरीके से प्रॉब्लम हो सकता। चलो फ्रेंड अभी मेन इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है वो आपको मैं देखा देता, देख पर फ्रेंड ये जो है मतलब स्टार्ट तो हो जाता लेकिन जब हीटिंग होता तब भी ये स्टार्ट हो जाता, मतलब कूल अब कूल में जब रहता सुबह के टाइम पे वो स्टार्ट नहीं हो पाता, सिर्फ देख पर फ्रेंड ये जो जिसको ऑटो टेम्परेचर सेंसर जिसको बोलना पड़ता जिसका नाम थर्मल सेंसर, ये जो देख पर फ्रेंड ये काट चुका, इसके लिए सिर्फ ये थोड़ा सा इसके लिए प्रॉब्लम हुआ। देख पा रहे ये कहाँ पे गया इसका ये वायर थर्मल सेंसर, देख पा रहे फ्रेंड ये आर का द्वारा काम करता है, ये व्हाइट देख पा रहे हैं व्हाइट प्लस ब्लैक लाइन ये कहाँ पे गया, डायरेक्ट CDI यूनिट कॉइल पे गया। CDI यूनिट कॉइल में क्यों गया, उसका है ना आउटपुट सप्लाई है ना जो अभी इंजन कितना अभी कंडीशन में है, क्या कूल में, क्या अभी कूल में, क्या हीटिंग में है, वो डायरेक्ट CDI का सेंस करता, CDI क्या करता आउटपुट है ना वो डायरेक्ट ऑटो चोक को सप्लाई करता। देख पा रहे फ्रेंड यहाँ पे अभी ऑटो चोक आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, देख सकता फ्रेंड ये यहाँ पे ये ऑटो चोक लगा है, इसके है ना आउटपुट सप्लाई वो जब भी देता तब भी ये तुरंत स्टार्ट हो जाता। देख पा रहे फ्रेंड इसका स्टार्टिंग का प्रॉब्लम अभी कुछ भी नहीं है, इस तरीके की प्रॉब्लम अगर बाय द वे आपके पास कोई भी आया तो 100% प्रॉब्लम को शॉर्टकट कर सकता। चलो फ्रेंड मेरा वीडियो देख के अगर आपको लगा थोड़ा सा भी जानकारी मिला जोर से एक लाइक कर दीजिए, अगर इस चैनल पर नया है जोर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।